Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel. मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये काले चने की चाट, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने ये एक पाव चने लिए, इसको मैंने रात में भिगा दिया था पानी में। अभी इसको मैं नमक डालकर इसको मैं गला लूँगी, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी जब ये चने हमारे गल जाएंगे अच्छे से। तो इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। इसमें मैं नमक डालकर इसको मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। इसमें पानी और डालूंगी, पानी नमक डालकर चढ़ा देती हूँ। ये देखिए चने मैंने बॉईल कर लिए थे नमक डाल के, ये देखिए इतने अच्छे चने गल गए। मैंने एक आलू भी बॉईल कर लिया था, ये भी कट करके डालूंगी। ये मैंने एक प्याज ली है, छोटे साइज की एक प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया। टमाटर है, इसको भी बारीक काट लिया। और इसमें ये मसाले जाएंगे, कुटी लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है ये भी हाफ टी स्पून। मैंने 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिए और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। ये सारी चीज़ें चने के अंदर जाएंगी और ऊपर से जो मैं डालूँगी गार्निशिंग के लिए, ये एक प्याज है छोटे साइज़ की, इसको मैंने बारीक कट कर लिया, चॉप कर लिया। और ये मैंने टमाटर लिया है एक छोटे साइज, इसको भी बारीक चॉप कर लिया। ये थोड़े सा हरा धनिया और हरी मिर्च ये काट लिया, और इमली का फल ये भी इसमें डाल के फिर मिक्स करेंगे। अब शुरू करते हैं बाकी का। ये मैंने चूल्हे पे एक पैन चढ़ा दिया, अब इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ये प्याज डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाए तो फिर इसमें मैं टमाटर डालूंगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ताकि मैं नई वीडियो आप तक पहुंचाऊं अपनी, और बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए प्याज फ्राई होने वाली, आपने चने में सोडा डालकर नहीं उबालना है, बिना सोडे के उबालेंगे आप, क्योंकि मीठा सोडा डालने से ना उसका कलर डार्क हो जाता है चने का। इस वजह से आप बिना सोडे के ही चने को बॉइल कर दें। और अच्छा गलाने के लिए आप ओवरनाइट के लिए रात में चने को भिगा के तो उससे बहुत अच्छे गल जाते हैं। ये देखिए अब ये प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए।
माजा खाने से ज़्यादा होगा। बाकी लोग लगाती हूँ मसाला बहुत ज़्यादा नहीं आप डालना थी क्योंकि मैंने भी कम कम रखा मसाला। इसको ढक दूंगी तो ये जल्दी से टमाटर गल जाएंगे। गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर कुटी मिर्च नमक टेस्ट के हिसाब से क्योंकि चने में भी नमक डाला हुआ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अब इसके अंदर चने शामिल कर दूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 7 मिनट हो चुका। अब मैं इसको भूनकर उतार लूँगी। पानी और थोड़ा सा खुश्क हो गया तकरीबन तो खुश्क हो चुका है पानी। तेल छोड़ दें फिर इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ बाकी के मसाले फिर उसे मिलाएंगे। ये मसाले छोड़ने लगे और इसमें इमली का पानी डाल दें। देखिए ये आलू इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसमें बाकी थोड़ा डाल दीजिए सामान
Peas. La tenía la derecha. Seguiré la pan y todas las cosas. ये देखेंगे इनके का पानी भी खुश हो गया। अब मैं इसको आलू वाली डिश में निकाल लेती हूँ। ये देखो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए ये चने की चाट तैयार है। ये आपको खाने में भी बहुत ही लजीज लगेगी। ये आप घर पे ट्राई करें, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।